मौजूद था तो कहीं ना कहीं लुप्त हुए जा रहा था, उसको यथावत धर्म का एक वापस यथा स्थापित करने के लिए किनारा खड़े का गठन किया गया था। 2015 से लेकर के 2019 चार साल में जो साधु की धारणाएं थी हमारे प्रति, उसको जूना अखाड़े ने अपना प्रसाद दिखा करके हमारे साथ मिला करके उनको पूर्ण विराम दिया है। तो लोग में जो हमारे लिए कटाक्ष वाणी थी उसको विराम देने के बाद में एक हमारे लिए एक शालीनता से लोग इस तरह नज़र से हमें देख रहे हैं। आज देखा होगा कई साधु संत भी हमारे अखाड़े के अंदर आ रहे हैं, हमारा आशीर्वाद पाने के लिए आ रहे हैं या हमसे मिलने आ रहे हैं। आप मेला क्षेत्र में जहाँ गए थे आपको यहाँ पाया गया पदाधिकारी जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं पिछले कोई सोशल एक्टिविस्ट में रहे हुए हैं, जैसे आचार्य महामंडलेश्वर वो भी पहले बहुत सोशल एक्टिविस्ट में रही है। मैं राजस्थान में वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ, चेयरमैन हूँ, और हम ऑलरेडी पहले से बहुत सारे काम कर रहे हैं समाज के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। तो ये जो समाज और उसके बीच में जो लैंगिकता का भेद था या कलंकित भेदभाव था वो एकदम से विराम होकर के और लोग हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए अखाड़े के लिए प्रयागराज में एक अच्छा संदेश भी है, समाज के बीच मुख्य धारा से जुड़ने का एक संदेश भी है। और आदि काल से आप देखते हैं शिखंडी था, अर्जुन ने एक साल किन्नर का रूल अदा किया महाभारत के अंदर, शिखंडी महाभारत में था, माँ गिलोला राम जो राम की सखी थी जिसने 14 साल राम का इंतज़ार किया, तो ऐसे कई वर्णन शास्त्रों में आज भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि हमें समाज की वो सिद्धि मिली है कि जिसको हम चढ़ के समाज में ये दिखाना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि हम समाज से अलग नहीं, समाज का ही अंग है और समाज से ही निकला हुआ वो हम लोग वही हैं, कि हम कोई पराए नहीं हैं, हमें कहीं एलियंस नहीं है, इस तरह का नहीं है। होते हमने भी 36 नसों का दूध पी के उन माँ से फोक से पैल करके बड़े होकर के आज समाज की दहलीज पर खड़े हुए हैं।